वापस चली गई, वरना उसकी उजाड़ जिंदगी देख देख कर मेरा दिल बहुत कुढ़ता था और मुझे अपने गलती का एहसास होता था। ठीक कह रही हो तमन्ना, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस अब हमें अपनी एक और बेटी का घर बसाना है। मैं जानता हूं तुम फायजा की बात कर रही हो, लेकिन उसे लाएगा कौन? इतना सब कुछ उसके साथ होने के बाद क्या वो हमारे साथ वापस आ जाएगी? मुझे पूरा यकीन है सुल्तान, वो वापस आ जाएगी। भाई आप देखिए कि जिस तरह किंजा ने जैन को माफ कर दिया अपनी मोहब्बत में, जबकि उसने सचमुच में उसे धोखा दिया था, तो फायजा भी नोमान को माफ कर देगी, वो तो बेकसूर है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। फायजा वैसे भी बहुत अच्छी बच्ची है और वो अब भी नोमान से ही मोहब्बत करती है। तभी तो मैं आपसे कह रही हूं कि वो जरूर जरूर वापस आ जाएगी। तो फिर कब चले अपनी बहू और पोते को लेने? बहुत जल्द। आत्मा, मुझे तो ये घर बहुत खाली खाली लगता है। हाँ भी प्लीज परेशान ना हो, हम सब दुआ कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ करें, इवन को कुछ नहीं होगा, आप देखते हैं वो बिल्कुल सही सलामत घर आ जाएगी। और आपको पता है अम्मी मुसलसल नफिल पढ़ के उसके लिए दुआ कर रही हैं। जी आप ही ख्याल रखें, खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? महनाज से बात हुई है? अमलिया से कुछ पता चला है इमन का? महनाज आप ही से बात हुई है, इमन का कुछ नहीं पता, वो अभी तक घर नहीं आई वापस। अल्लाह खारत करे उस बदबख्त को, पता नहीं उस मासूम बच्ची को कहाँ लेके चली गई है। ठीक कह रही हैं आप, इस नाजिया ने ईमन को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है, कैसी होगी। अच्छा अच्छा बेटा, जाके अशर को देखो, वो उठ गया है। जी लमिया तो रहम कर परवरदिगार।